हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों पर बयान दिया। हुड्डा ने खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ की नीति को लागू करने की मांग की है। साथ ही हुड्डा ने जेजेपी बीजेपी गठबंधन पर वार करते हुए कई मुद्दों को उठाया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कई मुद्दों को लेकर बयान दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में चीन में संपन्न हुए एशियाड गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर गर्व जताया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूँ, हरियाणा के खिलाड़ियों को मैं भी बहुत बधाई देता हूँ। एशियाड में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार ने खेलों के लिए गांव से लेकर सब जगह राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए। खिलाड़ी के भविष्य सुरक्षित रखने के लिए हमने पदक लाओ पद पाओ की नीति बनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग रखी है कि हरियाणा सरकार को खिलाड़ियों की इनाम की राशि बढ़ानी चाहिए। गोल्ड मेडल वालों को 5 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडलिस्ट को 3 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 2 करोड़ का इनाम मिलना चाहिए। साथ ही पदक लाओ पद पाओ नियम को हरियाणा सरकार को लागू करना चाहिए। अब जो एशियाड हुए थे, इस बात की मैं कह रहा हूँ, एशियाड में बहुत अच्छे भारत का प्रदर्शन रहा है और उसमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा है। तो मेरा इनसे, हरियाणा सरकार से ये है कि जो हमारे समय में हमने नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, और जो जिस प्रकार से आए थे, किसी को डीएसपी भर्ती किया हमने, किसी को क्लास वन ऑफिसर भर्ती किया, इस सरकार ने 9.5 साल में कोई एक भी डीएसपी भर्ती नहीं किया, एक भी क्लास वन ऑफिसर नहीं बनाया। और जो जो 3 करोड़ था गोल्ड मेडल का, वो 5 करोड़ जरूर किया है, वो नाकाफी है। इसका गोल्ड मेडल का 2 से 3 करोड़ किया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जातीय जनगणना को लेकर भी बयान दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि जिसका जो अधिकार है उसको मिले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर हुड्डा ने कहा कि पिछले चुनाव के समय हालात ऐसे थे जो जेजेपी की सीटें आ गई, स्वार्थ का गठबंधन रहा है, इसलिए हरियाणा पिछड़ गया है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी दी है कि वो 12 तारीख को मंडियों में जाएंगे। हुड्डा ने आरोप लगाया कि किसान लोगों को एमएसपी नहीं मिल रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।